हेलो फ्रेंड, आज हम आपको रोटी के रखने के लिए वो कपड़े बताते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसको रखने इसमें रखने से रोटियां ख़राब नहीं होती हैं हमारी। नीचे एक होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए। अब इसका हम आपको नाप बताते हैं। इसको नापने के लिए हमें 7 इंच लंबाई, 7 इंच ऐसे चौड़ाई, उसके बाद इसको बस सर्कल काट देना है जो कि आपके सामने है। और इसके अंदर हमने स्पंज डाला हुआ है और एक कपड़ा नीचे होगा। अब इसको हम सिलना शुरू करते हैं। अब इसमें ये वाली डिज़ाइन, हमें ये डिज़ाइन बहुत पसंद है इसलिए हम इसको बना रहे हैं। अब हम सिलना शुरू करते हैं। अब एक डिज़ाइन इधर से बन गई है, दूसरी हम बीच से शुरू करते हैं। जो इस प्रकार इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसमें किनारे किनारे बस गोटा लगाना बाकी है। इसका बॉर्डर में पट्टी लगाने के लिए हमें और एक कटिंग की पट्टी की ज़रूरत होती है। अब इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर इसको किनारे तक लेके जाते हुए इसका ये यहाँ पे टांगने के लिए भी ये वाला भाग बनाना है कि हम इसको ऐसे कहीं भी टांग सकते हैं। हो गया। चलो अब ये यहाँ तक पूरा हो गया है, पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम दूसरी तरफ सिलेंगे। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब सिल गया है। बस इसको अब यहाँ से इसको ला के ये टांगने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। बड़ा है, बस हमें थोड़ा 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए। बस इसको यहाँ पे ला के ऐसे सिल देंगे। अभी तीनों बन के रेडी हो गए हैं। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे इसे रोटी रखने के लिए रख दिया, फिर इसके ऊपर रोटी रख के फिर इसको ऐसे ढक देंगे। और इसमें टांगने के लिए भी ऐसे, जब भी हम धुलेंगे इसको ऐसे ऐसे धुल के, जब गंदा हो जाता है शाम को हम धुलते हैं रोज़, फिर ऐसे इसको टांग देते हैं। कितना सुंदर लगता है ये, देखिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।